नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। अब अखिलेश यादव ने बसपा के उत्तराखंड प्रभारी की बेटी को मीरापुर की रणभूमि में उतार कर बहन जी को घेर लिया है, यानी कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साध लिया है। अखिलेश के इस दाव की चर्चा हर तरफ चल रही है। अखिलेश यादव ने मुस्लिम कार्ड खेलकर भी बड़ा संदेश देने का काम किया है। अब अखिलेश के इस दाव की बहन जी क्या कार्ड ढूंढेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पर किसे उतारेगा, ये भी बेहद दिलचस्प होगा। बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार और बहन जी के बेहद करीबी पूर्व राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी मुनकाद अली की बेटी सुम्बुल राणा है। उनका निकाह कद्यावर नेता पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद राणा के साथ हुआ था। सपा मीरापुर के मैदान में किसे उतारेगी, ये सवाल बना हुआ था। हालांकि शुरू से ही टिकट की रेस में पूर्व सांसद कादिर राणा का नाम सबसे आगे चल रहा था। अखिलेश यादव ने राणा खानदान की पुत्रवधू सुम्बुल राणा के नाम पर मोहर लगा दी है। अखिलेश यादव ने जैसे ही सुम्बुल राणा के नाम का ऐलान किया, वैसे ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर कौन है। लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो गई कि कादिर राणा की पुत्रवधू हैं, और उसके कुछ देर बाद ये पता चला कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता मुनकाद अली की बेटी हैं। बस फिर क्या था, सियासी गलियारों में अखिलेश के फैसले की चर्चा होने लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरों में शुमार पूर्व सांसद कादिर राणा का अपना बड़ा दबदबा है। कादिर राणा विधायक भी रहे हैं और बसपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर से सांसद भी बने थे। उनकी मुस्लिमों में बड़ी और मजबूत पकड़ मानी जाती है। अखिलेश यादव ने उनकी पुत्रवधू सुम्बुल राणा को टिकट देकर कादिर राणा परिवार पर अपना भरोसा जताया है। कादिर राणा की पुत्रवधू सुम्बुल राणा के चुनावी मैदान में आ जाने से मीरापुर की सियासी लड़ाई बेहद रोचक और दिलचस्प हो गई है। मीरापुर के इस सियासी संग्राम पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा मीरापुर सीट पर टिकट घोषित करने के लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई थी। मुजफ्फरनगर के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे। ज्यादातर लोगों ने कादिर राणा को टिकट दिए जाने की वकालत की, जिसके लिए बड़े बड़े तर्क दिए गए थे कि रालोद के मुकाबले कादिर राणा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। करीब 25 नाम इस मीटिंग में रखे गए थे, लेकिन बात कादिर राणा पर आकर रुक गई। अखिलेश यादव ने इशारा भी कर दिया था कि मीरापुर में कादिर राणा को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव एक ऐसा दांव चलने वाले थे जिसके बारे में किसी को भी भनक तक नहीं थी। वो चौंकाने वाला नाम कादिर राणा का नहीं बल्कि उनकी पुत्रवधू सुम्बुल राणा का था। इस नाम की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि सुम्बुल राणा बसपा के बड़े नेता मुनकाद अली की बेटी है। पूर्व सांसद कादिर राणा ने अपने बेटे शाह मोहम्मद राणा की पत्नी सुम्बुल राणा को मीरापुर उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करने पर कहा कि अखिलेश यादव का दिल से धन्यवाद कि हम पर भी भरोसा जताया। पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे भी। मीरापुर हमारा घर है और घर से कभी कोई निराश नहीं लौटता है। वहाँ के लोगों का प्यार और भरोसा हमें चुनाव जिताएगा। चुनाव में पूरी ताकत से उतरेंगे और अपने नेता अखिलेश यादव की हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने मीरापुर से सुम्बुल राणा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव चलती हुई नजर आएगी, और ऐसे में आरएलडी की क्या कुछ भूमिका मीरापुर सीट को लेकर बनती हुई नजर आएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।